बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मौज़ नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पर आप लोगों को एक ही ख़बर नज़र आता होगा कि मौलाना तारिक जमील के बेटे असीम जमील कैसे मरे, क्या वाकई इस पर किसी ने हमला किया है। तरह तरह की वीडियोस आप लोगों के सामने से गुजरे होंगे, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। और वो हकीकत यह है कि मौलाना तारिक जमील के दूसरे बेटे मौलाना यूसुफ जमील के एक वीडियो पैगाम सामने आया। मौलाना यूसुफ जमील ने अपनी वीडियो पैगाम में कहा है कि मेरे भाई असीम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के शिकार थे। पिछले 6 माह से बीमारी की वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉनिक शॉट लगाए जा रहे थे ताकि इनकी डिप्रेशन और बीमारी कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद इन्हें इफाका न हुआ। कल वो इतफाकन घर में अकेले थे। अपनी तकलीफ और अजियत की वजह से उन्होंने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक लेकर खुद को इससे शूट कर लिया। इसके अलावा जितनी भी बातें की जा रही है, न किसी के साथ दुश्मनी थी, न किसी ने इस पर हमला किया है। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस पैसे पर राजी है। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त। मौज नाज़रीन, ये मौलाना तारिक जमील के दूसरे बेटे यूसुफ जमील की वीडियो पैगाम थी, हमने आप लोगों के सामने पेश किया। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आप लोगों को हमारी ये छोटी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए तारीखी तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए इन्फो इट नुमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।